बहुत स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान के ऊपर। और देखिए विज्ञान भवन पर मैं और रमन इस वक्त मौजूद है और लगातार हर खबर, क्योंकि आज 10वें दौर की बैठक है किसान संगठनों और सरकार के बीच में, वो हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। समझौता होगा या नहीं एक अलग बात है, लेकिन कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी स्पष्ट और निष्पक्ष राय और सच्चाई सुप्रीम कोर्ट तक रखने की। बड़ी खबर जो इस वक्त की मिल रही है वो आपको बता दें, 4 लोगों का नाम कमेटी में शामिल किया गया था और इसी में से एक भूपेंद्र सिंह मान, जिन्होंने अब कमेटी से अपने नाम को अलग कर लिया है। ये बड़ी खबर जी हिंदुस्तान इस वक्त आपको बता रहा है। अहम खबर इस वक्त यही है कि किसानों की भावनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया है भूपेंद्र सिंह मान ने। कहा है उन्होंने अपना नाम कमेटी से अलग, मैं किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा है कि जब किसान पहुंचेंगे नई कमेटी तक तो फिर कमेटी का फायदा क्या है। ये भी उन्होंने कहा है कि इस्तीफा अपना सीजीआई से बात करने के बाद मैंने दे दिया है, कमेटी से इस्तीफा कहा क्या है भूपेंद्र सिंह ने, सुनिए जरा। कि इतनी जब एजिटेशन चल रही है, उस एजिटेशन का और पंजाब के और देश के फार्मर्स के ये सेंटीमेंट्स और उनके इंटरेस्ट देखते हुए मैं समझता हूँ कि उसमें जाना कोई तुक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने, जिनके लिए हमें उनको बात सुनने के लिए कहा गया है, वो कहते हैं कि हम कमेटी के सामने जाने वाले ही नहीं हैं, तो कोई तुक नहीं रह जाता कमेटी का, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। स्पोक टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे बात की, उनको अपनी पोजीशन बताई और मैंने उनको कहा कि मैं इससे अलग होना चाहता हूँ। तो भूपेंद्र सिंह मान ने कहा है कि भैया वो इस्तीफा दे देंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये दलील दी है कि जब किसान वहाँ आएंगे ही नहीं तो फिर वो उस कमेटी में रहकर क्या करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा भूपेंद्र सिंह मान के बारे में हम जानेंगे तो थोड़ा कांग्रेसी जो इनका रुझान है वो 2019 के वक्त भी देखने को मिला था, जब उन्होंने लगातार प्रचार किया था और लगातार वो कांग्रेस से जुड़े हुए रहे थे। तो जब कमेटी बनाई गई तो शायद यही ध्यान में रखकर बनाई गई कि हर विचारधारा को जानने वाले मानने वाले लोग जुड़े रहें और ताकि किसान वहां पर आए। लेकिन इसको भी मौका बना दिया गया संवाद न करने का, और जब सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाती है उसके बाद आप आते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, मैं इस कमेटी में नहीं रहना चाहूंगा। और उसके बाद राकेश टिकैत का बयान आता है कि भाई एक एक करके सारे किसान छोड़ देंगे। मनिंदर सिंह सिरसा कहते हैं अकाली दल वाले कि सब एक एक करके छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कमेटी के ही कुछ लोग कहते हैं कि हम कमेटी में बने रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेंगे, या फिर जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा हम वहीं रहेंगे, उसी कमेटी में बने रहेंगे। बिल्कुल। और रजिस्ट्रेशन काउंटर भी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन काउंटर बनना शुरू हो चुका है, विज्ञान भवन का ये वही काउंटर जो बीते कई दौर की बात में हम आपको दिखाते हैं। अभी ये खाली है लेकिन आज बैठक जरा पहले हो रही है, 12 बजे आज की बैठक का वक्त है। इसके पहले की बैठक रमन 2 बजे हुई थी, आज 12 बजे, और ये बताया जा रहा है कि 10 बजे सिंघू बॉर्डर से बस निकल जाएगी। अच्छा हम रुख कर लेते हैं प्रत्युष का, जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। प्रत्युष, कोई बड़ी खबर आपके पास? देखिए बड़ी खबर ये है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे किसान। स्वर्ण सिंह पंडेर जो कि किसान नेता है, उनका ये बड़ा बयान सामने आया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, अलग बात है कि भूपेंद्र सिंह मान जो कि उसमें 4 मेंबर में से एक थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, लेकिन बाकी सदस्य कह रहे हैं कि अभी भी हम कमेटी में रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट चाहेगा। लेकिन देखिए किसान नेताओं का जो रुख है वो साफ नजर आ रहा है। स्वर्ण सिंह पंडेर ये कह रहे हैं कि कमेटी के सामने हम पेश नहीं होंगे, इस कमेटी से हमें कोई उम्मीद नहीं है। देखिए आज 10वें दौर की बातचीत है, सरकार से बातचीत होनी है, लेकिन कमेटी के सामने इनको जाना है जहां पर समस्या के समाधान की सूरत लोग देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये साफ कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे कमेटी के सामने। सुनिए जरा स्वर्ण सिंह पंडेर ने कहा क्या है। जो हम संभावना है हमें भी जो यही कहेंगे, पहले भी केंद्रीय मंत्री के कहते रहे भी कानून तो और अपील नहीं होंगे, वापस नहीं लिए जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। अब तो उनको कहे कभी देखिए अब सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग कर रहा है, आप कमेटी के समक्ष पेश हो जाइए, जिसको कमेटी को पहले से रद्द कर दिया गया, अभी हम उसके समक्ष पेश नहीं होंगे। तो इस तरह की बातें भी आएगी, देश का बड़ा हिस्सा जो जी हमारे हक में खड़ा है तो हम कानून वापस नहीं ले सकते। तो फिर गोलमोल बातें भी होगी, अगर कानून वापस लेने हैं तो भाई हमें सभी सूबों को राय करनी पड़ेगी, लोगों को पूछना पड़ेगा, इस तरह से बातों को टाला जाएगा। सो अधिक इस मीटिंग से आशा नहीं रखनी चाहिए, और कोई मीटिंग में अलग सा प्रस्ताव भी आएगा तो वो छल। बिल्कुल। तो ये स्वर्ण सिंह पंडेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता है, जनरल सेक्रेटरी है, उन्हें आप सुन रहे थे। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको सुना दे कि सरकार किसान मीटिंग से पहले बोले भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, उम्मीद करता हूँ गतिरोध खत्म होगा, जल्द से जल्द
समाधान निकलने की उम्मीद जो है भूपेंद्र सिंह मान ने जताई है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भूपेंद्र सिंह ने दिया था इस्तीफा, सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा है। आज किसान संगठनों की मीटिंग है, कितना उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो टसल चल रहा है सरकार और किसानों के बीच में वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए? मैं उम्मीद करूंगा कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बिल्कुल, तो भूपेंद्र सिंह मान कमेटी से इस्तीफा देने के बाद साफ साफ कह रहे कि आज की मीटिंग से जल्द उम्मीद लगाई जा सकती है कि किसान समझेंगे और मसले का पूरा हल जो है वो जल्द निकलेगा। लेकिन सुमित, इनका कमेटी से बाहर होना 2 दिन के भीतर कितनी बड़ी बात है? देखिए, मैं भूपेंद्र सिंह मान की बाइट सुन रहा था, इसके साथ ही किसान नेता की बाइट सुन रहा था, दोनों की बातें सेम नजर आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी का गठन किया था इस लिहाज से किया था कि जो कमेटी जो डिसीजन लेगी वो न्यूट्रल रह के लेगी। आप किसी के पक्ष में आकर अगर बात करेंगे तो जो फैसला होगा वो एक तरह से न्यूट्रल नहीं हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो गतिरोध दूर करने के लिए जो कमेटी का गठन किया था उसका मकसद ही यही है कि आप बैलेंस होकर, आप न्यूट्रल होकर फैसला लीजिए। आप किसानों के, अगर आप पहले ही मान लेंगे कि ये जो कानून है वो किसानों के खिलाफ है तो फिर बात नहीं बनेगी। तो ऐसे ही अगर भूपेंद्र सिंह मान की अगर बात सुनी जाए और फिर किसान नेताओं की बात सुनी जाए तो लगभग दोनों की जो बातें हैं वो एक तरह की है। नजर भी तो आता है ना, भूपेंद्र सिंह मान 2019 में कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था जिसमें इस बात का जिक्र लिखा था, इस कानून का जिक्र था, उसका समर्थन कर चुके हैं। लेकिन इन्होंने अपनी सिर्फ राजनीतिक मंशा से भूपेंद्र सिंह मान को सरकारी समर्थित बता दिया और दबाव बनाया ताकि वो कमेटी से अपने आप को बाहर कर दे। लेकिन वो बाहर हो चुके लेकिन तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, ये तस्वीरें सिंगू बॉर्डर की, 51 दिन हो चुके, 51 दिनों से यही हाल है कि सिर्फ छोटी गाड़ियां सुमित, जो सोनीपत, पानीपत, करनाल या फिर चंडीगढ़ जो है, ये गांव के रास्ते होते हुए आगे तक जा सकते, जहां पे रास्ता जो है 22 किलोमीटर बाद पूरा खाली है। जितेन, देखिए ये जो तस्वीर है ना, ये जो तस्वीर है वो दिल्ली से तमाम गाड़ियां आ रही हैं और एक भी जो आपको बड़ी गाड़ी नजर नहीं आएगी, वो चाहे आप कह लीजिए ट्रक, बस, कोई भी गाड़ी यहां नहीं आ पा रही है, क्योंकि यहां से 1 किलोमीटर पहले ही यू टर्न होकर तमाम गाड़ियां वापस लौट जा रही है। ये जो तमाम जो आप कैब या कार्स देख रहे हैं ये सिर्फ गांव के रास्ते होते हुए करनाल, पंजाब के रास्ते जा रही है, लेकिन वो भी बहुत ही मुश्किल से। जितेन, बिल्कुल, देखिए मुश्किल तो हर किसी को, दिल्ली के लोगों को तो मुश्किल 51 दिनों से हो ही रही है। लेकिन राकेश टिकैत का एक बयान मुझे ये तस्वीरों से याद आ रहा है कि राकेश टिकैत ने पिछली मीटिंग के ठीक पहले कहा था कि दिल्ली के लोगों को और तकलीफें झेलनी बाकी है। और आज सुबह उन्होंने मीटिंग के ठीक पहले, सुमित, क्या कहा आपको याद होगा के 26 जनवरी के दिन चाहे सरकार बात मान भी लेती है तो ट्रैक्टर निकलेंगे। देखिए गाजीपुर का रुख करते, प्रत्युष वही से राकेश जी के थोड़ी देर में रवाना होंगे, लेकिन निकलने के पहले का ये बयान कि सरकार मान भी लेती है बात तो ट्रैक्टर मार्च निकलेंगे, ये कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर नहीं लगता है? देखिए ये साफ इनकी बातों से लग रहा है कि ये 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च हर हाल में ये निकाल कर रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि कल जब राकेश टिकैत ये कहते हैं कि आप भले गोली चलवा दो, सैकड़ों हजारों किसान मर जाएंगे, हम तैयार हैं, हम बॉर्डर खाली नहीं करेंगे, इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील की थी कि आप बॉर्डर छोड़िए, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को इस बॉर्डर से दूर रखिए, धरना स्थल आप बदल दीजिए, इन सब बातों पर वो बिल्कुल भी साफ इनकार कर रहे हैं कि हम यहां से कहीं नहीं जाने वाले, ना कमेटी के सामने पेश होंगे, ना धरना स्थल से हटेंगे, ना बुजुर्ग महिलाओं को दूर करेंगे। यानी कि ये साफ है कि ये गतिरोध अभी लंबा चलाने के मूड में है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उनका बयान आ रहा है उससे प्रति उस बस यही लग रहा है कि वो ना तो इस गतिरोध को खत्म करना चाहते, ना तो इस आंदोलन को वो खत्म करना चाहते। और पहले तो इनका अड़ियल रवैया सिर्फ बिल और MSP पे था, लेकिन अब इनका अड़ियल रवैया 26 जनवरी के ट्रैक्टर रैली पे भी सामने आ रहा। भले प्रशासन, कानून इनके सामने इनके सामने विफल नजर आ रहा, क्योंकि ये जिस तरीके से ये प्रशासन को, जिस तरीके से ये लगातार कह रहे कि हम तो निकालेंगे ही निकालेंगे, इसका मतलब कानून पे इनको विश्वास नहीं रहा, सरकार पे इन्होंने पहले ही अविश्वास जता दिया। तो आखिर इनकी मंशा क्या है, आप जानना ये। चलिए जल्दी से शालिनी का रुख कर लेते हैं जो विज्ञान भवन में मौजूद है। शालिनी के पास कोई बड़ी खबर है? क्या बड़ी खबर है शालिनी? बिल्कुल प्रत्युष, देखिए इसके पहले आप बात कर रहे थे ट्रैक्टर परेड की और उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री रमेश बिधूड़ी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर के ये कहा है कि 26 जनवरी को
उनका कहना है कि किसान देश का पेट भरते हैं और तीन मुख्यमंत्रियों की टीम मेंबर है ये जो बॉर्डर पर बैठे हुए लोग हैं, स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये कह दिया। इसके अलावा ये भी कहा है कि देशद्रोही ताकतों से पैसा लेकर के ये लोग बैठे हुए बॉर्डर के ऊपर। साथ ही साथ ऐसे लोगों को सरकार कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और कहा क्या है भदौड़ी साहब ने, वो पहले आप सुन भी लीजिए। किसान अन्नदाता है, देशभक्त हैं वो लोग, वो हुडा की टीम नहीं है, अमरिंदर की टीम नहीं है, वो अकालियों की टीम नहीं है। ये जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, ये तीन मुख्यमंत्रियों की टीम के रूप में 3-4 हजार लोग बैठे हुए हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूं, किसानों के कंधे पर बंदूक चलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। ये राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं और कुछ ऐसी देशद्रोही ताकतों से पैसा लेकर काम करने वाले लोग हैं जो कनाडा, अमेरिका, खालिस्तान, वहां से पैसा आ रहा है, अपनी दुकानें चला रहे हैं। ऐसे लोगों को तो सरकारें देशद्रोही ताकतों की बात भदौड़ी साफ कर रहे हैं। और वक्त वक्त पर हमने देखा है कि बॉर्डर के ऊपर इस तरह की तस्वीरें दिखाई भी देती हैं। रमन, हमने वो वक्त भी देखा जब शर्जील इमाम के पोस्टर लग जाते हैं, जब उमर खालिद के पोस्टर लग जाते हैं, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग हुई थी लास्ट टाइम, जिस दिन आदेश आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हरीश सालवे ने खालिस्तान वाली बात को दोहराया था, सरकार से रिपोर्ट भी उसके ऊपर मांगी गई थी। रमन, बिल्कुल शालिनी, और लगातार इस बात की तस्वीरें भी सामने आई है कि उस आंदोलन में देश विरोधी जो शक्तियां हैं वो काम कर रही हैं। और लगातार बीजेपी में जो भदौड़ी ने ये कहा है, तो इससे पहले भी जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने भी ये बात कोर्ट में कही है, और उन्होंने कहा था कि इस तरह की चीजें वहां हो रही हैं, और उसके बाद ये सारा का सारा मामला शुरू हुआ और फिर ये जो सारी बातें थी उसमें निकल कर सुप्रीम कोर्ट में भी सामने आई है कि हलफनामा दीजिए, तो हलफनामा देने से वो साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया। और सीधा चलते हैं गाजीपुर जहां प्रत्युष मौजूद है। प्रत्युष ठीक है, रमन 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 जल्दी से एक बड़ी खबर, जल्दी से एक बड़ी खबर बता देते हैं। दरअसल और क्या, देखिए बातचीत है, लेकिन उससे पहले किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन करने वाली है। दरअसल सभी राजभवनों की तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मार्च करेंगे, और दिल्ली में जो ये प्रदर्शन निकलने वाला है, ये जो मार्च निकलने वाला है, इसमें खुद राहुल गांधी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हर जगह राजभवनों की तरफ मार्च निकालने की तैयारी है कांग्रेस की आज ऐसे समय में जनता से दौर की बातचीत होने वाली है। देखिए ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इसी बात को हम लोग लगातार कह रहे हैं कि आखिर क्यों विपक्ष इस आंदोलन को इतना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष क्यों अपनी रोटी सेक रहा है। शुद्ध रूप से ये आंदोलन किसानों का था, किसानों का आंदोलन ना होते हुए अब ये पॉलिटिकल आंदोलन बन गया। क्या विपक्ष को बदला लेना है सरकार से, क्या विपक्ष को सरकार के खिलाफ कोई रंजिश है जिसका उनको बदला लेना है? लगातार ये सिर्फ अब लग रहा है कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट हो गया है प्रत्युष, ये किसानों का मुद्दा अब रहा नहीं है ये आंदोलन। और देखिए दिन का चुनाव भी ऐसे किया गया है कि 15 तारीख को मतलब आज जब 10वें दौर की बातचीत होने वाली है, ऐसे में राजभवनों की तरफ मार्च कांग्रेस के कार्यकर्ता निकालेंगे, इसमें नेता भी शामिल होंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे, और दिल्ली में राहुल गांधी निकलेगा, खुद राहुल गांधी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसकी संभावना है, राहुल गांधी अगर शामिल होंगे तो आप सोचिए कि किस तरीके से इसको पॉलिटिकल रंग रूप देने की पूरी कोशिश रहेगी। और साफ तौर पर इसमें सियासी टकराव भी अब देखने को मिल सकता है। बार पलटवार तो आपने देख लिया, रमेश भदौड़ी का आपने बयान सुन लिया, उससे पहले कल राहुल गांधी का भी बयान आपने सुना था, और आज खुद राहुल गांधी कहा जा रहा है कि इस दिल्ली में जो निकलेगा ये जो प्रोटेस्ट मार्च, और बाकी अलग अलग प्रदेशों में भी निकलेगा, इस दिल्ली वाले मार्च में खुद राहुल गांधी इसमें शामिल होंगे। क्या राकेश टिकैत का वो बयान कि हम 2024 में सरकार बदलेंगे, क्या इसी आधार पे तो ये बयान नहीं है? देखिए ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन अब एक तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये आंदोलन में तब्दील होता नजर आ रहा है। हितेन का रुख करेंगे, हितेन के पास कोई बड़ी खबर आ रही है। हितेन, ओवर टू यू। बिल्कुल 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 प्रत्युष, देखिए मीटिंग के ठीक पहले पंजाब सरकार कैबिनेट ने कृषि कानून को ना लागू करने का प्रस्ताव जो है पारित कर कृषि कानून के विरोध में ये पंजाब सरकार जो है अब उतर चुकी है, राज्य में नहीं लागू होंगे नए कानून, ये पंजाब सरकार ने साफ साफ कहा। पंजाब सरकार कैबिनेट ने कृषि कानून को ना लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है, राहुल गांधी ने कहा वापस लेना होगा। देखिए राहुल गांधी एक तरफ आज राजभवन जाने वाले हैं, धरना देने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले, ज्ञापन देने वाले, लेकिन ठीक राहुल के बयान के बाद पंजाब सरकार एक्टिव होती नजर आ रही है। पंजाब सरकार ने साफ साफ कहा है कि ये नए कृषि कानून जो है वो पंजाब में लागू नहीं होंगे, विरोध में एक प्रस्ताव जो है वो पारित भी कर चुकी है पंजाब सरकार। बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। देखिए एक तरफ IMF का बयान है कि इस कृषि कानूनों से बिचौलिए हटेंगे, तो वही देश में राजनीति किस तरीके से अब हावी हो रही है। देखिए हितेन, राहुल गांधी के बयान से आप समझ सकते हैं कि इस आंदोलन को आखिरकार चला कौन रहा है।
सिंपल सा मसला ये है कि इस आंदोलन को विपक्ष जो है वो चला रहा है और पिछले 51 दिन से जिस तरह से गतिरोध बना हुआ है, विपक्ष नहीं चाहता है कि ये गतिरोध जो है वो कम हो। तो ऐसे में ये साफ है, चलेंगे विज्ञान भवन। एक बड़ी खबर है साली के पास। साली, ओवर टू यू। कृषि कानून का विरोध करेंगे और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है छिंदवाड़ा से, कमलनाथ कृषि कानून का विरोध करेंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पंजाब चक्का जाम शहर में करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ, चक्का जाम का 2 मिनट तक हॉर्न बजाएंगे कमलनाथ, एमपी में किसान आंदोलन की शुरुआत करेंगे कमलनाथ। तो कमलनाथ इस आंदोलन में एक नया पेज जोड़ने वाले हैं और ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 मिनट हॉर्न बजाकर क्या होने वाला है ध्वनि प्रदूषण के अलावा। तो ये जो कांग्रेस का रंग है इस आंदोलन में चढ़ता हुआ वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान नाराज नहीं है अभी तक, वहीं से किसानों की नाराजगी की खबर आ रही है, जैसे पंजाब से आ रही है, हरियाणा से आ रही है, लेकिन बाकी देश के जो किसान थे शालिनी वहां पर इस तरह की खबर नहीं आ रही है। तो कांग्रेस चाहती है कि इस आंदोलन को बाकी राज्यों में भी लेके जाया जाए। बिल्कुल, और देखिए इसके पहले किसान ये कह भी चुके हैं कि हमें अपने आंदोलन में कोई भी दूसरा किसी भी राजनीतिक पार्टी का शख्स नहीं चाहिए, बावजूद इसके आप कमलनाथ की तरफ से राजनीति। प्रत्युष का रुख कर लेते हैं, कोई बड़ी खबर है प्रत्युष के पास, ओवर टू यू प्रत्युष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर है पंजाब कांग्रेस के नेता है का बयान सामने, 26 जनवरी को कांग्रेस भी प्रोग्राम करेगी, कार्यक्रम करेगी, रास्ता निकालना सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और चीफ जस्टिस को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया है। देखिए 26 तारीख को एक तरफ किसान नेता ये कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर परेड निकालेंगे राजपथ पर, और अब कांग्रेस कह रही है कि 26 तारीख को हम भी इसको लेकर प्रोग्राम करने वाले, सरकार और पुलिस समझे कि कैसे रास्ता निकालना। क्या कुछ उन्होंने कहा कि जल्दी से उनका बयान सुन लेते हैं। मार्च करेगा तो अपनी शांतमय तरीके से करेगा, आप रास्ता दे दो कहाँ करना है। वो 26 जनवरी को वहाँ इंडिया गेट पे कहीं भी नहीं आ रहे, वो सरकार के फंक्शन में खलल नहीं डालने वाले, लेकिन वो अपना प्रोग्राम जरूर करेंगे। उस प्रोग्राम के लिए सरकार एक जिम्मेवारी समझती हुई दिल्ली की पुलिस उनको रास्ता दे, किस रास्ते से आना है, किस रास्ते से उन्होंने बाहर जाना है, वो रास्ता प्रोवाइड सरकार कराए। बड़ी खबर जो इस वक्त की मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं, पटना से ये अहम खबर इस वक्त की मिल रही है, कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस यहां पर भी प्रदर्शन करने वाली है, पटना के अंदर प्रदर्शन होगा कांग्रेस की तरफ से, ये अहम खबर इस वक्त की मिल रही है, राजभवन तक कांग्रेस नेता प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके अलावा सदाकत आश्रम में दोपहर 12 बजे धरना देंगे कांग्रेस नेता, मतलब किसानों के बीच अब कांग्रेसी नेता भी नजर आने वाले हैं बहुत जल्द। और अहम खबर, धरना देने के बाद राजभवन तक कांग्रेस मार्च भी निकालने वाली है, अब तड़का इस पूरे आंदोलन के अंदर कांग्रेस नेताओं का जगह जगह आपको दिखाई देगा। अहम खबर, तीनों ही कृषि कानूनों के साथ पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ कांग्रेस का ये हल्ला बोल पटना के अंदर आपको दिखाई देगा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और इसके पहले मध्य प्रदेश की खबर रमन हमने बताई थी, राहुल गांधी भी अब आंदोलन में कूदते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कांग्रेस अब इस पूरे के पूरे आंदोलन को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, जब आंदोलन शुरू हुआ था तब वो थे नहीं, लेकिन जब आंदोलन आगे बढ़ रहा है तो इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रत्युष का रुख करते हैं, प्रत्युष के पास एक बड़ी खबर है गाजीपुर बॉर्डर पे। देखिए बड़ी खबर आ रही है, जयपुर में भी किसान आंदोलन के समर्थन में ये कांग्रेस नजर आ रही है, जो प्रोग्राम है कांग्रेस का हर प्रदेश में है, ये राजभवन तक मार्च निकालने वाली है, जयपुर में राजभवन तक मार्च करेगी, घेराव करेगी कांग्रेस, इसमें खुद सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और तमाम मंत्री और नेता भी इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल होंगे। देखिए अलग अलग प्रदेश में आज का दिन चुना है कांग्रेस ने, जब आज 10वें दौर की बातचीत होने वाली है, राजभवन तक ये प्रोटेस्ट मार्च निकलेगा जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर सीएम और बाकी तमाम मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए प्रत्युष, चाहे आप राजस्थान ले ले, दिल्ली ले ले, मध्य प्रदेश ले ले, थोड़ी देर में आपको झारखंड से भी खबरें आएंगी, पटना से आ चुका है। तो देखिए लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से तैयारी कर ली है किसान आंदोलन को हाईजैक करने की, जिस चीज की आशंका हम जता रहे थे कि अब किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं रहा, किसान आंदोलन विपक्ष का आंदोलन हो गया, वो आंदोलन होते हुए नजर आ रहा, नजर नहीं अब तो उस पे स्टाम्प भी लग गया है प्रत्युष। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं क्योंकि आज देखिए 10वें दौर की बातचीत भी होने वाली है, वार्ता होने वाली है, लेकिन इससे पहले किसान नेताओं के बयान, पॉलिटिकल पार्टी के बयान किस तरीके से सामने आ रहे हैं, ये तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, अब बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।
इस वक्त लगातार कांग्रेस इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, फिर चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर मध्य प्रदेश हो, पटना हो, तो कांग्रेस भी इस आंदोलन में कूद पड़ी है। हालांकि पहले किसान संगठनों ने कहा था कि वो इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ना चाहते, लेकिन अब लग रहा है कि कांग्रेस, जिसके पास बहुत वक्त से कोई मुद्दा नहीं था, उस मुद्दे का उनको यहाँ पर भुनाने की कोशिश है। हालांकि अगर उन्हें इन बिल से परेशानी थी, अगर वो किसान के साथ वाकई में जुड़ना चाहते थे, तो जब ये बिल पास हुए थे उन्हें तभी किसान आंदोलन खड़ा करना चाहिए था, तब इस आंदोलन को अगुवाई करनी चाहिए थी, इसे लीड करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। जब किसान दिल्ली की दहलीज पर आकर खड़े हो गए, उसके बाद उन्होंने ये पूरा हंगामा करना शुरू किया, और अब ऐसा लगता है कि वो चाहते ही नहीं है कि इस तरह से कोई भी हल सामने आए, क्योंकि जैसे ही वार्ता होती है उससे पहले ही कुछ कांग्रेसी नेता दहलीज पर पहुंच जाते हैं, सिंघू बॉर्डर पहुंच जाते हैं या फिर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद तोड़फोड़ की कार्यवाही होनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद बातचीत का रास्ता भी बंद होने लगता है। बिल्कुल, और देखिए किसान नेताओं की भी अगर हम बात करें तो आज बैठक के पहले पिछले दौर की जो बैठक हुई थी आप उसकी बात कर लीजिए, 8 जनवरी, 4 जनवरी, 30 दिसंबर, आप किसी भी दौर की बैठक की बात कर लीजिए, किसान नेता विज्ञान भवन अगर पहुंचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के साथ कि तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द कराया जाए। लेकिन मामला जितनी बार भी हल करने की, बीच का रास्ता निकालने की कोई कोशिश होती है, मध्यस्थता की कोशिश होती है, किसी की भी तरफ से उसे सिरे से नकार दिया जाता है। और बार बार हिंदुस्तान इस चीज को कह रहा है कि आंदोलन का अब एकमात्र मकसद बचा रह गया है आंदोलन को जारी रखना, इसके अलावा किसानों का भला, MSP, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पीछे छूट गई हैं। और आज हो सकता है 10वें दौर की जो बैठक होने वाली है उसमें भी एक बार फिर से आपको यही तस्वीर नजर आए, क्योंकि सुबह से ही किसान नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, वो चाहे राकेश टिकैत हैं या फिर सिंघू बॉर्डर से जो खबरें मिल रही है, वो यही है कि रमन आज यहाँ आने के बाद भी वो हठधर्मिता जो बीते 9 दौर में हमने देखी है वो आज भी बदलने वाली नहीं है। हाँ बिल्कुल शालिनी, जिस तरह से लगातार ये जो बैठक है ये सिर्फ एक तरीका, ऐसा लग रहा है कि विरोध का इनका बनता चला गया है, एक विरोध का ये तरीका दिखा रहे हैं जब ये बैठक में आ रहे हैं, क्योंकि जब ये कह ही चुके हैं कि हम बातचीत कमेटी करने के पास करने नहीं जाएंगे, और साथ ही साथ जब ये बैठक में आते हैं तो भी किसी हल पर बात करने की इनकी जो मंशा होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। और वो कहते हैं ना कि अगर कोई आदमी सोया हुआ हो तो उसे जगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई सोने की नकल कर रहा हो तो आप उसे कभी नहीं जगा सकते, क्योंकि उठना ही नहीं चाहता है। और यही बात शायद यहाँ पर भी नजर आ रही है कि वार्ता करने तो वो आ रहे हैं, लेकिन ये वार्ता ये है कि आपका जो आंदोलन है वो सुर्खियों में बना रहे, चर्चाओं में बना रहे, लेकिन आपको हल नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना लंबा इसे खींचेंगे उतना ज़्यादा आप सुर्खियों में आएंगे, चर्चाओं में आएंगे, क्योंकि यहाँ किसान आंदोलन से जुड़े ऐसे कई नेता हैं जिनके पॉलिटिकल एम्बिशंस रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, और वो बिल्कुल उन्हें एक मौका मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है इस आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की। अगर आंदोलन खत्म हो जाएगा, अगर किसानों की बात का हल मिल जाएगा, और जैसे कि अगर सरकार कह रही है कि 2 साल तक देखिए, और अगर वाकई में किसानों को इससे फायदा होने लगता है तो उनकी जो राजनीति है वो खत्म हो जाएगी। तो जैसे एक बड़ा आंदोलन हमारे देश में अन्ना आंदोलन देखा था, और उससे भी एक पॉलिटिकल पार्टी निकलकर बाहर आई थी, तो एक बड़ा आंदोलन ये है, और कई जो लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा इस वक्त हैं, तो उन्हें शायद ऐसा लगता है कि किसानों के हित से मतलब नहीं है, उन्हें लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म उन्हें मिल गया है जो उन्हें राजनीति के प्लेटफॉर्म में लॉन्च कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन जो किसान बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है उसे इस भ्रम में बॉर्डर पर बैठाया गया है कि ये उसके भले के लिए आंदोलन चल रहा है और उसका हित इस आंदोलन के बाद ही होगा। ये जो जत्थेबंदियां पंजाब की यहाँ पर पहुंचती है, 23 जत्थेबंदियां, इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से जो किसान नेता पहुंचते हैं विज्ञान भवन, वो एक तरफ तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं और दूसरी तरफ जो किसान बॉर्डर के ऊपर बैठा है उसे हर बार ये आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर ये तीनों कृषि कानून लागू हो गए, जिसे काला कानून कहकर के रटा दिया गया है किसानों को, अगर ये लागू हो गए तो फिर किसानों का भविष्य, उनके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।